Hello guys, welcome to my channel. My name is Abhishek and today we'll discuss 2D viewing. Okay, आज हम सीखेंगे कि हमारा simply basic clipping क्या होता है, ठीक है? और हमारा world coordinate क्या होता है, window coordinate क्या होता है, window to viewport हमारा viewing जो होता है, उसका हम concept का थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है? और फिर next video में हम इसका window to viewport कैसे इसका derivation होता है वो देखेंगे. Okay, so before starting this video, guys, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारी लिंक दी हुई हैं जितने हमारे चैनल पे हमारी प्लेलिस्ट की वीडियोस की लिंक्स हैं. सो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर उस लिंक्स को देखिएगा. एंड अगर आप नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, उससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे मैं जब भी वीडियोज अपलोड करूंगा. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर, 2D व्यूइंग. ओके, बेसिकली सबसे पहले अगर हम क्लिपिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो क्लिपिंग होता क्या है? अगर सपोज मेरे पास कोई भी विंडो है, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, क्लिपिंग क्या होता है कि जैसे कुछ भी हमें गिवन पार्ट है, सपोज ये मेरा फिगर है, मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया. क्लिपिंग क्या होता है? बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट को काटना है एक तरीके से, ठीक है ना, क्लिप कर देना, उसको हटा देना. जितना हमें जरूरत है हम उतना ही लेंगे, बाकी उसको क्लिप कर देंगे, मतलब उसको पोर्शन को रिमूव कर देंगे बेसिकली, ठीक है? तो क्लिपिंग हमारा ही हो गया. क्लिपिंग की अगर हम डेफिनेशन बोलना चाहें तो बहुत सारी मैंने यहाँ पे लिखी हुई. सो गाइज, यहाँ पे द टेक्निक ऑफ हाइडिंग द पार्ट ऑफ ड्रॉइंग वन इज नॉट इंटरेस्टेड इन इज नोन एज क्लिपिंग. ओके, मतलब वही है कि हम वही पार्ट हम मतलब दिखा रहे हैं जो कि हमें देख रहे हैं. मतलब मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है कि वी आर हाइडिंग दैट पार्ट इन विच वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है? हम इस पार्ट को हाइड कर रहे हैं जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? और क्लिपिंग हमारी बेसिकली बहुत सारी टाइप्स की हो सकती है, जैसे पॉइंट क्लिपिंग होती है, लाइन क्लिपिंग, पॉलीगन क्लिपिंग, कवर टेक्स्ट क्लिपिंग भी होती है. इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अलग से वीडियो बना के क्लिपिंग का पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है? और अब हम क्लिप्ड पार्ट अगर बोलते हैं तो क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, क्लिप्ड पार्ट मतलब जो पोर्शन हमने हटा दिया है, ठीक है? सो द पोर्शन लेफ्ट आउटसाइड द रीजन ऑफ द विंडो इन कंप्यूटर ग्राफिक्स इज कॉल्ड द क्लिप्ड पार्ट, ठीक है? अब विंडो क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे, बट हमारा क्लिप्ड पार्ट वो हो गया जो हमारा सपोज ये विंडो है, तो विंडो के पार्ट बाहर जो भी ये पार्ट है हमारा, इसको हम रिमूव कर देते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द क्लिप पार्ट, ठीक है? एंड द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग द इनसाइड इमेज ऑफ द विंडो इज कॉल्ड क्लिपिंग, ठीक है? मतलब हम इस विंडो के जो अंदर ये इमेज दिखा रहे हैं, जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसको हम यहाँ पे अपना बोल रहे हैं कि ये हमारा क्लिपिंग प्रोसेस होता है, ठीक है? सो नाउ अगर हमें एक और डेफिनेशन अगर कहें तो क्लिपिंग की ये भी हो सकती है कि अ ग्राफिक पैकेज अलाउज अ यूजर टू स्पेसिफाई विच पार्ट ऑफ द डिफाइंड पिक्चर इज टू बी डिस्प्लेड एंड वेयर दैट पार्ट इज टू बी डिस्प्लेड ऑन द डिस्प्ले डिवाइस यूजिंग अ कंसेप्ट विच इज नोन एज क्लिपिंग, ठीक है? हमने जो डिस्कस किया था, अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट और हमारा डिवाइस कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है? वर्ल्ड कोऑर्डिनेट बेसिकली हमारा सपोज रियल वर्ल्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज ये पेन ही हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जो भी हमारे रियल वर्ल्ड में इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो भी इसके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट होंगे रियल वर्ल्ड में, जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो हमारे रियल वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, ठीक है? तो एनी कन्वेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रेफर्ड टू एज द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट रेफरेंस फ्रेम कैन बी यूज टू डिफाइन द पिक्चर, ठीक है? हम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से अपना कोई सा भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली. एंड फॉर अ 2D पिक्चर अ व्यू इज सिलेक्टेड बाय स्पेसिफाइंग द सब एरिया सब एरिया द टोटल पिक्चर एरिया, सब एरिया ऑफ द टोटल पिक्चर एरिया होना चाहिए, ऑफ भी आएगा यहाँ पे, ठीक है? सब एरिया ऑफ, सो इस चीज का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है? अब हमें सपोज एक ऑब्जेक्ट हमने देख लिया, ठीक है, वो तो उसका तो हो गया, मतलब जो रियल कोऑर्डिनेट्स है वो उसके वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स हो गए. अब हम उसका व्यू कोऑर्डिनेट क्या बोल रहे हैं कि सपोज हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको स्क्रीन पे दिखाना है, ठीक है? कंप्यूटर की स्क्रीन ले लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल. अगर मैं उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ तो जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे सपोज मेरा रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट यही है बड़ा सा, ठीक है? अब मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ तो ऑब्वियसली कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, सपोज एक कार है, तो और कंप्यूटर स्क्रीन तो हमारी छोटी होती है, तो हम उसमें स्क्रीन में अगर चेंज करके उस ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका साइज हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है? तो उस पे जब हम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम अपना डिवाइस कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है? तो द पिक्चर पार्ट्स विद इन द सिलेक्टेड एरियाज आर देन मैप टू स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द डिवाइस कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? ये सीन है. और फिर हमें बेसिकली करना क्या होता है, अब हमको अपना जो हमारा रियल वर्ल्ड में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको अगर हम अपने डिवाइस में हमारा मतलब डिस्प्ले डिवाइस, सपोज हम एग्जांपल है कंप्यूटर का लेके चल रहे हैं, उसकी डिवाइस स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, ठीक है ना? अब क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बड़ा है, सपोज हमने कार ली थी, जैसे कार को अगर हम कंप्यूटर में दिखा रहे हैं तो कार के ऑब्जेक्ट मतलब कार बहुत बड़ी है बेसिकली, स्क्रीन हमारी छोटी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्केलिंग करनी पड़ेगी, मतलब उसके साइज को छोटा करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वर्ल्ड टू डिवाइस कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व्स हमें ट्रांसलेशन करना पड़ सकता है, रोटेशन स्केलिंग ऑपरेशन एज वेल एज द प्रोसीड्योर्स फॉर डिलीटिंग दोज पार्ट ऑफ द पिक्चर दैट आर आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ द एरिया डिस्प्लेइंग अ सिलेक्टेड डिस्प्ले एरिया. ओके, तो उसके हिसाब से हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं स्क्रीन पर तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ जाता है, ठीक है?
नाउ गाइज अब हम देखेंगे व्यूइंग पाइपलाइन. इसमें क्या सीन होता है, हमें एक तो हमारा कंसेप्ट होता है कुछ विंडो, ठीक है, और एक हमारा कंसेप्ट होता है व्यू पोर्ट. हमारा विंडो और व्यू पोर्ट क्या होता है, विंडो हमारा हो गया जो भी सपोज एक ऑब्जेक्ट है और हम उस ऑब्जेक्ट का कितना पार्ट देखना चाह रहे हैं, ठीक है, जो भी हम देखना चाह रहे हैं मतलब व्हाट इज टू बी व्यूड, वो हमारा बेसिकली क्या हो गया, विंडो हो गया, ठीक है. अब सपोज इस डायग्राम में हम समझते हैं, सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है रेड कलर में जो मैंने बना रखा है और मैं सिर्फ इसका इतना पोर्शन देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने एक पोर्शन कट आउट कर लिया और मैं इससे इतना पोर्शन देखना चाह रहा हूँ, तो ये हमारा विंडो हो जाएगा. तो विंडो क्या होता है, अ पोर्शन व्हाट इज टू बी व्यूड, बेसिकली हमारा यही होता है, ठीक है. तो विंडो को हम डिफाइन कर सकते हैं, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट एरिया सिलेक्टेड फॉर डिस्प्ले इज नोन एज विंडो, ठीक है. तो जो भी हमारे को एरिया देखना है व्हाट इज टू बी व्यूड, सिंपली हम उसको विंडो बोल दे रहे हैं. और फिर उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट होता है व्यू पोर्ट, ठीक है. अब विंडो जो हमारे को, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, हमें खिड़की से बाहर देख रहे हैं, ठीक है, हमें कार दिख रही है, हमें उसका सिर्फ आधा पार्ट दिख रहा है, तो वही बात है, अब कार का इतना बड़ा पार्ट हमको दिख रहा है बट हमें उसको एक स्क्रीन पे या किसी भी डिवाइस पे हम उसको दिखा रहे हैं बेसिकली, ठीक है, डिस्प्ले डिवाइस पे किसी भी, सपोज हम कंप्यूटर स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, तो जो हमारे कोऑर्डिनेट स्क्रीन के ऊपर आएंगे उनको हम व्यू डिवाइस कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे, ठीक है, और वो हमारी विंडो जो हमारी होगी उसको हम व्यू पोर्ट बोलेंगे. तो एन एरिया ऑन अ डिस्प्ले डिवाइस टू विच अ विंडो इज मैप्ड इज नोन एज व्यू पोर्ट, ठीक है. तो बेसिकली डिस्प्ले डिवाइस पे जो हमारा दिखाता है स्क्रीन, विंडो जिसपे हम लगाते हैं अपनी, जो हमने विंडो देखी है उसको हम उस पर लगा रहे हैं, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द व्यू पोर्ट, ठीक है. तो अगर मैं सिंपल से शब्दों में बोलूं तो क्या है, विंडो हमें बताती है कि व्हाट इज टू बी व्यूड, हमें देखना क्या है, और व्यू पोर्ट हमको बताता है कि वेयर इट इज टू बी डिस्प्लेड, उसे हम डिस्प्ले कहां करा रहे हैं, ठीक है, हमारा व्यू पोर्ट वो कंसेप्ट बताता है. तो हमारा ये कंसेप्ट हो गया सिंपल विंडो और व्यू पोर्ट का. अब ये सब मैंने क्या लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ एक बारी, सिंपली व्यू पोर्ट है तो मैंने यहाँ पे ये सपोज एक विंडो व्यू पोर्ट लिया हुआ है, ठीक है, तो व्यू पोर्ट ले रखा है, तो इसका एक यहाँ अगर जीरो से स्टार्ट हम होगा, ठीक है, यहाँ पे भी जीरो जीरो, तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में ऐसे में बढ़ रहा है, वाई इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, ठीक है, एक्स वी मिनिमम और एक्स वी मैक्सिमम. वी क्यों दिया है, ताकि ये समझने के लिए हम सबको इजीली समझ में आ जाए कि ये वी मतलब व्यू पोर्ट है यहाँ पे, ठीक है. और सिमिलरली डब्ल्यू मैंने यहाँ पे इस विंडो के लिए यूज किया हुआ है, एक्स डब्ल्यू मिनिमम एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम, ठीक है, डब्ल्यू मतलब विड्थ विंडो की हमारी मिनिमम ये है मैक्सिमम ये है, सिमिलरली इसमें ये हमारा ये विंडो के लिए था, ये हमारा व्यू के लिए है. और सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट ऑफ आर व्यू वाई वी मैक्स और मिनिमम कम वाला वाई वी मिन, ओके. और हमारा विंडो है जो विंडो में हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो गया वाई डब्ल्यू मैक्सिमम और जो हमारा मिनिमम वाला कोऑर्डिनेट है वाई डब्ल्यू मिनिमम, ओके. तो ये हमारा कुछ रिप्रेजेंटेशन है. अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है जो हम इसमें डेरिवेशन अभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, विंडो टू व्यू पोर्ट जिसको हम बोलते हैं, मतलब विंडो टू व्यू पोर्ट का मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो विंडो है हम इसको व्यू पोर्ट में जब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो भी अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरी डेरिवेशन प्रॉपर देखेंगे, ठीक है. बाकी मैं लिंक मैंने ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे दिया है पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख सकते हैं. फिर उसके बाद ये हमने डिस्कस कर लिया, अब हम इसमें क्या बोल रहे हैं, व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है. मैपिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सीन टू द डिवाइस कोऑर्डिनेट इज रेफर्ड टू एज व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है. मतलब वही हो गया कि हमारा विंडो कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास हैं उनको अगर हम व्यू पोर्ट कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब डिवाइस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको सिंपल हम अपना व्यू पोर्ट व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है. और कभी कभी 2D व्यूइंग में हम इसको इसी को क्या बोलते हैं, विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन या फिर सिंपली विंडोइंग ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल देते हैं, ठीक है, वही लिखा हुआ है. समटाइम्स द 2D व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंपली रेफर टू एज विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन और द विंडोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ओके. सो गाइस हमारा ये भी सिंपल बेसिक एक व्यू था कि हमारा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिवाइस कोऑर्डिनेट क्या होता है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन टाइप की देखेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें विंडो टू व्यू पोर्ट देखेंगे. अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, मोटिवेशन बढ़ती है वीडियो बनाने की यार, ठीक है. और भाई का चैनल सब्सक्राइब करना नए हो तो जरूर, एंड अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना यार, ठीक है. सो टेक केयर टिल द टाइम, टेक केयर, बाय बाय.